खुदावंद का दूर आपको छू रहा है। अब मेडिसन खाते और उतर जाता है, फिर हो जाता है। आज से वो बुखार हमेशा के लिए खुदावंद का रूह कहता तक जाएगा। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम कवल है और शिमुदल गांव के रहने वाले हैं। और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि 20 दिन हो गए थे इनको बुखार की प्रॉब्लम थी, जे बता रहे कि इनको बुखार हो जाता था और जे अलग अलग डॉक्टर से इन्होंने मेडिसिन भी ली थी और जे बता रहे कि मेडिसिन खाने के बाद इनको कुछ फ़र्क पड़ता था पर फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। और बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी इनके लिए, क्योंकि जब भी फीवर हो जाता था तो जिसके कारण जे काफ़ी परेशान हो जाते थे और इनकी बॉडी में वीकनेस हो रही थी, दर्द रहती थी। और जे बता रहे कि जैसे इन्होंने 9 फरवरी की थर्सडे की मीटिंग को इन्होंने ऑनलाइन ही जो देख रहे थे, जो मीटिंग में नहीं थी पहुँचे, और जब इन्होंने घर से मीटिंग को देखा तो जो बता रहे कि जैसे प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और जब प्रभु के दास के द्वारा वर्ड्स आए कि जो लोग ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे वो स्क्रीन पर स्क्रीन पर अपने माथे को टच करें, तो उसी समय प्रभु के दास के द्वारा वर्ड्स आए कि जिन्हें कुछ लोग हैं जिन्हें को बुखार हो जाता है और वो मेडिसिन भी खा रहे पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। खुदावंद का रूह आपको छू रहा है। अब मेडिसिन खाते और उतर जाता है, फिर हो जाता है। आज से वो बुखार हमेशा के लिए खुदावंद का रूह कहता तक जाएगा। मैंने कहा आप बार बार मेडिसिन खाते हो फिर बुखार हो जाता है, खाते हो चंगे हो जाते हो फिर आ जाता है, खाते हो चंगे होते हो फिर आ जाता है, पर आज खुदावंद का रूह आपको छू रहा है। बस जादू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस और चंगे हो जाओ। और जब बता रहे कि जैसे उन्होंने उस दिन इस वर्ड को रिसीव किया और जब बता रहे धन्यवाद किया और उस दिन से इन्होंने कोई एक दिन भी मेडिसिन नहीं खाई। जब बता रहे कि परमेश्वर ने पूरी तरह से इस बुखार की प्रॉब्लम से इनको फ्री कर दिया है और इन्होंने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद किया और इन्होंने पूरी तरह चेक भी किया और भी इनको कोई फीवर नहीं रहता, बॉडी में भी कोई वीकनेस नहीं है। आज बिल्कुल इस प्रॉब्लम से परमेश्वर इनको आज़ाद कर दिया है। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे। कलीसिया सुनो सुनो सुनो, ये जो जिस दिन इन्होंने ये प्रेयर में को रिसीव किया अपने घर में या ऑनलाइन देख रहे थे जी। कितने दिन से था आपको बुखार? जमसी की पापा जी 20 के दिन हो चुके हैं। 20 दिन हो गए थे आप मेडिसिन खाते थे? हाँ जी। तो क्या होता था जो फीवर हुंदा ही उदो दिल मेडिसिन खाते थे उधर जाता था फिर हो जाता हाँ मेडिसिन खाते थे हाँ जी फिर उतर जाता फिर हो जाता था और 20 दिन हो गए ऐसे ही चल रहा था। हाँ जी। परमेश्वर कैसा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जैसे आपकी प्रॉब्लम है सेम उसी तरह का वर्ड दे देता है। हाँ, कैसे परमेश्वर ने बोला कि कोई है उसका मेडिसिन खाते हैं, खा लेते हैं फिर चंगे हो जाते हैं, फिर उतर जाता है फिर हो जाता है, उतर जाता है फिर हो जाता है। सेम प्रोफेटिक वर्ड है। और ये जिस दिन इन्होंने इस प्रेयर को रिसीव किया है, क्या किया है ये, जिस दिन इन्होंने ये प्रेयर को रिसीव किया, ये प्रेयर हमने अलग से ऑनलाइन लोगों के लिए मैंने फिर से अलग से ये हमने क्लिप अलग से ये प्रार्थना का में भी शायद 1 मिनट का ये क्लिप था हमने डाला था। तो मैंने कहा था कि जो ऑनलाइन अपने माथे को टच करो खुदावंद दास आपको क्या कर रहा है। एक तो ये इन्होंने रिसीव किया, एक टच किया और आज आपके सामने हैं, गवाही दे रहे हैं, भले चंगे हैं। आज कितने दिन हो गए? 10 दिन हो चले। हाँ 10 दिन हो गए है ना। हाँ जी। नहीं 10 दिन नहीं, अगर पिछले 9 आज हाँ। कितनी तारीख है? आज 16। आज 16 है तो ये कितनी तारीख की? 9 फरवरी। 9 और 7 8 दिन हो गए ना। 8वां दिन है आज, 10 नहीं 8वां दिन है। तो आज 8 दिन हो चले हैं, आपको कोई फीवर नहीं है, दोबारा कोई मेडिसिन नहीं खाई? नहीं पापा जी, कोई उस दिन से आप भले चंगे हो। हाँ जी। और तारीफ करो खुदावंद की, जोर से अपने हाथों को उठाकर। अनोखे काम कर दाए
हालेलुया।